हेलो फ्रेंड, मैं राशि। आज मैं बना रही हूँ कुछ नए टाइप से खिचड़ी पलार की। जबकि नौ दुर्गा आने वाली हैं तो हम इस टाइप से खिचड़ी बनाएंगे। आपको बहुत पसंद आएगी ये खिचड़ी, क्योंकि ये न्यू टाइप से बना रही हूँ। इसको बच्चे भी खाना पसंद करेंगे। जो व्रत वाले हैं वो तो खाएंगे ही, और जो दूसरे मतलब बच्चे वगैरह हैं उनको भी बहुत पसंद आएगी। तो आइए हम खिचड़ी बनाते हैं साबुदानी की। इसके लिए मैंने ना साबुदाने को गलाया है ना भिगोया है। ये देखिए, मैंने ये छोटे वाले साबुदाने लिए हैं, बड़े वाले नहीं लिए। आप चाहें तो बड़े वाले भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड, एक छलनी ले रही हूँ, इसमें ये सारे साबुदाने इसमें डाल रहे हैं। इनको हम अच्छे से वॉश कर रहे हैं। वॉश इसलिए कर रहे हैं कि इनमें जो छोटे छोटे कण रहते हैं वो सारे हमारे निकल जाएंगे। तो हम इसमें अच्छे से पानी डालकर इसको हाथ से इस तरीके से हम धो लेंगे। तो इसमें कम से कम मैंने एक गिलास भरकर पानी डाला है। तो ये देख सकते हैं आप, ये देखिए साबुदाने अच्छे से वॉश हो गए हैं। अब इनको हम एक साइड रख देंगे, और चलिए अब हम खिचड़ी की रेसिपी बनाते हैं। तो फ्रेंड, हमारा घी गर्म हो गया है। अब हम थोड़ा गैस को मंदा कर देंगे, और इसमें हम डालेंगे मूंगफली दाने। तो मैंने एक चम्मच बड़ा भर के मूंगफली के दाने दिए हैं, और इसको हम गैस को थोड़ा तेज कर देंगे, और इसको अच्छे से हमें रोस्ट करना है मूंगफली के दाने को, मूंगफली को, कि अच्छे से हमारी मूंगफली सिक जाए। और अब मैं इसमें डाल दूंगी मखाना। तो मैं एक कप मखाना डाल रही हूँ, और थोड़े से इसमें काजू डाल रही हूँ। इसमें काजू से और टेस्ट बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्ट अच्छा आएगा। तो मैंने 4 से 5-6 काजू डाल दिए हैं इसमें, और मखाना डालनी है। अब इनको अच्छे से हमें मिक्स करना है। तो फ्रेंड देखिए, हमारे साबुदाने और मखाने काजू सब अच्छे से सीख गए हैं। अब इसी स्टेज पे हम इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे, मीठी नीम। अगर आप कड़ी पत्ता नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से रोस्ट करेंगे हम। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें एक बड़ा कच्चा आलू, जो कि हमने छील के छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। और अब मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी इस तरीके से, और इनको अच्छे से हमें मिलाना है इस तरीके से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ कुछ मसाले। तो मैं सबसे पहले इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च आधी चम्मच, आप अपने अकॉर्डिंग मिर्च डाल सकते हैं। थोड़े से जीरा, थोड़े से बिल्कुल चुटकी भर जीरे डालें, आप चाहें तो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। इसमें अब डाल रही हूँ सेंधा नमक। इसमें अगर आप फलार के लिए नहीं बना रही तो भी आप सेंधा नमक ही यूज़ करिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरीके से। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो हमने वॉश करके साबुदाने रखे थे ना, वो इसको भी अच्छे से मिला लेंगे हम। ये देख सकते हैं आप। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, जिस कटोरी से हमने साबुदाने लिए थे उसी कटोरी से मैं भरकर 3 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। हमने आधी कटोरी साबुदाने लिए हैं, और 3 कटोरी हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ये देख सकते हैं आप। और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे इस तरीके से, मिलाना है हमें। और अब मैं इसमें लास्ट में डाल रही हूँ इसमें एक सीक्रेट मसाला, जो कि इससे इसमें टेस्ट और जायका बहुत बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें हमने हल्दी और लाल मिर्च का प्रयोग किया नहीं है, क्योंकि ये व्रत के लिए है। तो हम इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्च और धनिया का पेस्ट, से इसमें टेस्ट इतना टेस्ट आएगा, इतना अच्छा टेस्ट आएगा, और इसमें थोड़ा कलर भी आ जाएगा। और थोड़ा समय इसमें, ये देखिए थोड़ा समय इसमें डाल रही हूँ पुदीना का पेस्ट। पुदीना को मैंने पीस लिया था अच्छे से बारीक, और ये देखिए कितना अच्छा कलर आया हमारी खिचड़ी में, ये देख सकते हैं आप। पुदीना, हरी मिर्च और हरा धनिया से।
तो आप बस इसको आप धीमी आँच पे 5 से 6 मिनट तक पकने के लिए रख दीजिए। तो इसमें आलू और आपके साबुदाने अच्छे से पक जाएंगे और हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। आप इसमें चाहें तो आलू बॉईल करे हुए भी डाल सकते हैं और उनको थोड़ा सा अच्छे से घी में सेक कर और फिर आप डाल दीजिए, तो उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। तो हमारी खिचड़ी को हम पकने के लिए हम रख देंगे। तो फ्रेंड अब हम चेक करते हैं हमारी खिचड़ी कितनी पक चुकी है। तो आप देख सकते हैं हमारी खिचड़ी कुक हो गई है अच्छे से। ये देखिए आलू भी मैश होने लगे हैं। तो इसी स्टेज पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और बस गर्मा गर्म, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे और गर्मा गर्म खिचड़ी को हम अपनी इसको परोसेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा नींबू डालना है। अगर आप थोड़ा खट्टा चटपटा और खट्टा पसंद करते हैं तो आप इसमें आधा नींबू डाल दीजिए। नींबू हम पहले नहीं डाला हमने इसलिए कि अगर हम पहले नींबू डालते तो हमारी खिचड़ी इसमें पकती कुक नहीं होती अच्छे से, मतलब आलू कुक नहीं होते। तो देख सकते हैं आप गर्मा गर्म हमारी खिचड़ी तैयार है इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे कटोरियों में इसको देखिए कितना प्यारा कलर आया है, कितनी प्यारी दिख रही है ग्रीन ग्रीन। तो आप देख सकते हैं इसी तरह हम सारी खिचड़ियों में कटोरियों में खिचड़ी को डाल देंगे इस तरीके से सर्व करेंगे। देखिए आधी कटोरी से हमारे 4 जनों के लिए खिचड़ी तैयार हो गई है, आधी कटोरी साबुदाने से। आधी कटोरी साबुदाने से हमारी 4 लोगों के लिए खिचड़ी तैयार है। तो देखिए कितनी कलरफुल और कितनी प्यारी लग रही है, खाने में भी ऐसा लग रहा है झटपट से इसको खा जाए। क्योंकि मैंने पहले भी ये बना चुकी हूँ तो मुझे ये अच्छी लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों को शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड आप ये ज़रूर बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो प्लीज़ प्लीज़ बनाइए, नवदुर्गा आ रही है उसमें बनाइए और सारे परिवार को व्रत में खिलाइए। तो आप ये बनाइए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। राशि जी का कुछ नहीं।